नमस्कार, आइए हम लोग परसेंटेज चैप्टर को थोड़ा और आगे ले चलें। सवाल है आपका, एक 14.4 केजी वाला गैस सिलेंडर है, जब छोटा बर्नर का उपयोग किया जाता है तो यह 104 घंटे में समाप्त होता है, जब बड़े बर्नर का उपयोग किया जाता है तब यह 80 घंटे में ही समाप्त हो जाता है, तो बताएं छोटा बर्नर बड़े बर्नर की अपेक्षा प्रति घंटा कितना प्रतिशत कम गैस का खपत करता है। आप देख रहे हैं छोटा बर्नर चलता है कितना, 104 घंटा, और बड़ा बर्नर से बड़ा बर्नर के यूज से गैस चलता है कितने समय, 80 घंटा। तो आप देख रहे हैं छोटे बर्नर से थोड़ा अधिक समय चलता है, यानी वहाँ कम गैस का खपत होता है, वही बताना है कितना प्रतिशत कम। तो देखिए बड़े बर्नर के द्वारा एक घंटे में कितना केजी गैस जलेगा, तो आप कहिएगा 14.4/80 इतना केजी, नहीं 80 घंटे में इतना केजी, तो एक घंटे में बटा 80, तो इतना केजी गैस जल रहा है 80 घंटे में, एक घंटे में इतना, तो एक घंटे में मान हम लोग निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, 9/50 केजी, 9/50 केजी गैस जल गया एक घंटे में। अब हम लोग लिखेंगे छोटे बर्नर के द्वारा एक घंटे में, तो होगा 14.4/104। 104 क्यों, क्योंकि 104 घंटा लगता है यहाँ, तो यहाँ आता है 9/65 केजी। तो आप देख रहे हैं छोटा बर्नर इतना गैस जलाया, बड़ा बर्नर इतना गैस जलाया एक घंटे में, तो अंतर कितने का पूछ रहा है, कितना प्रतिशत कम, तो पहले कितना कम होगा तब ना कितना प्रतिशत कम निकलेगा। तो कमी देखिए कितना प्रतिशत कम कितना गैस जलाता है, तो वो हम लोग लिखेंगे क्या, 9/50 - 9/65, और इन दोनों का अंतर आप निकालिएगा तो आएगा 27/650 केजी। बड़ा बर्नर इतना केजी, छोटा बर्नर इतना केजी, या दोनों का अंतर इतना केजी। अब प्रतिशत कमी का फॉर्मूला लिख लीजिए, प्रतिशत कमी कितना कमी, 27/650। तुलना छोटे बर्नर का तुलना किससे हो रहा है, बड़े बर्नर से, तो बड़े बर्नर से भाग लगाइए, 9/50 × 100, यही आपका आंसर है, इसी को कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 300/13%, ये आपका आंसर है। लेकिन यहाँ जो कुछ ज़्यादा वक्त दे दिए, इसका आवश्यकता नहीं था, इस क्वेश्चन को हम लोग इससे कम समय में बनाएंगे, यहाँ कुछ ज़्यादा वक्त दे दिए हम लोग, क्या किए देख लीजिए हम लोग का स्टेप कुछ, जिसको हम लोग फिर से दोहराएंगे तो पता चलेगा कि क्या कम देने जा रहे हैं। यहाँ हम लोग निकाले क्या, एक घंटा में 9/50, ये एक घंटा में 9/65, और एक घंटा में दोनों का अंतर 27/650, और कमी का प्रतिशत कमी गुना 100 कुल, पहले कुल क्या था जिससे तुलना कर रहे हैं वो क्या था, तो यही आपका आंसर है। आइए इसको एक बार फिर देखिए, देखिए दोनों का समय, देखिए समय से ही पता चल जाएगा कितना प्रतिशत अधिक है और कितना प्रतिशत कम है। बड़े बर्नर को 80 घंटा लगता है, छोटे बर्नर को 104 घंटा लगता है इसको समाप्त करने में, यानी 14.4 केजी गैस समाप्त करने में, बड़े बर्नर को इतना घंटा, छोटे बर्नर को इतना घंटा, मतलब छोटा बर्नर 104 घंटा में वही काम करता है और बड़ा बर्नर 80 घंटा में वही काम करता है। तो देखिए तो ये जो इसका समय है, इसका रेशियो क्या है, समय का रेशियो 10 और 13 है, इसका मतलब काम का रेशियो 13 और 10 होगा, काम और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप अधिक दक्ष होंगे तो आपको कम वक्त लगेगा, और आप कम दक्ष होंगे तो आपको अधिक वक्त लगेगा, ये तय है। इसका मतलब है कि अगर समय का अनुपात ये है तो उनके कार्य क्षमताओं का अनुपात ये है, मतलब ये 13 केजी गैस जलाएगा तो ये 10 केजी गैस जलाएगा, मतलब ये 3 केजी कम गैस जलाएगा ना, किससे, 13 से गुना सब, यही आपका आंसर।
कुछ दिक्कत क्या? आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने देखा समय को, समय क्या है दोनों का, तो समय का रेशियो निकला 10:13, तो काम का रेशियो 13:10 होगा। मतलब ये 13 केजी गैस जलाएगा तो ये 10 केजी गैस जलाएगा, तो 3 केजी कम जलाए ना, ये तो 3 केजी कम जलाए किससे, इससे तुलना तो इससे होगा ना। तो 3 ये लिखे क्या कमी, और ये क्या लिखे जिससे तुलना कर रहे हैं और उसको 100 से गुना करते हैं तो यही प्रतिशत होता है। ये तो आप पढ़ते आए, प्रतिशत निकल गया। देख लीजिए हम लोग कुछ नहीं किए, 1 घंटा में क्या किया, 4 घंटा में क्या किया, रेशियो हमेशा वही होगा। 1 घंटा में जितना प्रतिशत अधिक गैस जलाएगा 24 घंटा में उतना ही प्रतिशत अधिक गैस जलाएगा, इसलिए इसको 1 घंटा और 4 घंटा से कोई लेना देना नहीं था, प्रतिशत हमेशा वही होगा। आइए अगले सवाल में आते, आइए अगला सवाल आपका। एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया और उसमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 190 तथा 80 था। तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्र का उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था? सवाल में शायद कुछ नहीं है, हालांकि सवाल नहीं समझ पाए होंगे इसलिए ये सवाल भेजा गया है। आइए सवाल क्या कहता है, सवाल देखिए ये कहता है कि 3 समूह हैं, एक समूह में 40, एक समूह में 50 और एक समूह में 60 विद्यार्थी हैं, और क्वेश्चन कहता उनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 190 और 80 है। कहने का मतलब यहाँ 100% स्टूडेंट पास हुए, यहाँ 90% स्टूडेंट पास हुए और यहाँ 80% स्टूडेंट पास हुए। तो क्वेश्चन कहता है ओवरऑल कितने पास हुए, यही ना। अब क्वेश्चन में कुछ बचा, अब देखिए यहाँ 40 है और 100% पास हुआ तो पास कितने 40, यहाँ 50 है 90% पास हुए तो पास कितने 45, और यहाँ 80%, और जबकि स्टूडेंट 60 है तो 48, तो कुल पास कितने इतने और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना, तो 40, 50, 60, 150, और इसको 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत में चेंज नहीं हो जाएगा। बस यही आपका सवाल, सवाल में कुछ, सवाल ये जो कह रहा है ये क्रमशः इसके बारे में कह रहा है कि इस समूह में, यहाँ 3 समूह हैं, पहले समूह में 40, दूसरे समूह में 50, तीसरे समूह में 60 विद्यार्थी हैं, और पहले समूह का 100% बच्चा पास हुआ, देखिए 100%, दूसरे समूह का 90% पास हुआ, तीसरे समूह का 80% पास हुआ, तो पहले समूह में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, इतना पास है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या अब 150, क्योंकि तीनों समूह को जोड़ लिए हम लोग और 100 से गुना करेंगे तो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। यही आपका आंसर है, इसी को कैलकुलेट करके लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा 88.2/3%। आइए अगले सवाल में आते हैं। अब अगला सवाल है आपका, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए, यदि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। आइए देखिए 100 छात्र आप मान लीजिए, अब क्वेश्चन कहता है 90%, तो 90 छात्र किस विषय में, अंग्रेजी में, और गणित में कितने 85%, तो आप देखिएगा इसको जोड़िएगा तो पता चलेगा कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है 5, 9, 8, 17। अब आप देखिए गौर से, विद्यार्थियों की संख्या क्या 100, पास होने वाले क्या 175, तो ये कैसे संभव है, 100 स्टूडेंट हैं तो 100 स्टूडेंट ही ना पास होंगे, 175 कैसे पास होगा। इसका मतलब है कि कुछ स्टूडेंट कॉमन है जो हिंदी, जो अंग्रेजी में भी पास हैं और गणित में, तो इससे जितने भी अधिक स्टूडेंट होंगे वो दोनों में पास होंगे, तब तो 100 से अधिक हो गया। तो दोनों में पास होने वाले का संख्या क्या 75, यानी 75, और दोनों में पास होने का मान कितना दिया है 150, तो 75 का वैल्यू कितना 150, तो 100 का वैल्यू कितना, यही आपका आंसर है 200। कुल स्टूडेंट की संख्या क्या 200, ही आपका आंसर है। हालांकि इस तरह का कंसेप्ट हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। आइए आइए अगला सवाल, पिछले सवाल के जैसा ही थोड़ा सा कंडीशन अलग हो गया है। किसी समूह में 70% लोग हिंदी बोलते हैं,
तथा 35% लोग अंग्रेजी बोलते हैं। यदि 10% लोग ना तो हिंदी बोलते हैं ना ही अंग्रेजी बोलते हैं तो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों बोलने वाले का प्रतिशत क्या है? आइए मान लीजिए 100 व्यक्ति वहाँ हैं और हम लोग ढूंढने किसको चले हैं, तो जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, है ना? तो क्वेश्चन में बोला 10% ये ना तो हिंदी जानते हैं ना तो अंग्रेजी, तो ये वहाँ क्या कर रहे हैं? इसको हटाइए पहले वहाँ से। 10 व्यक्ति को निकाल देंगे तो व्यक्ति वहाँ कितने बचेंगे? 90। अब आप देखिए हिंदी बोलने वाले कितने? 70। अंग्रेजी बोलने वाले कितने? 35। तो इसको जोड़िएगा तो आएगा 105। तो व्यक्ति की संख्या वहाँ क्या? आप कहिएगा 90। 10 व्यक्ति को निकालना है, वो तो ना 10 व्यक्ति ना तो हिंदी जानता है ना तो अंग्रेजी, तो 90 व्यक्ति है वहाँ, भाषा कितना है? तो 105। तो इसका मतलब है कि 15 अधिक है, यानी 15 व्यक्ति हिंदी में भी हाथ उठाता होगा और अंग्रेजी में भी, मतलब हम हिंदी भी बोल सकते हैं अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। तो 15 व्यक्ति क्या है? कॉमन है। तो 15 व्यक्ति कॉमन है और व्यक्ति कितने हैं? 100। तो आप आंसर क्या कहिएगा? 15% व्यक्ति दोनों भाषा बोल सकते हैं और वही हमको चाहिए कि हिंदी और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या क्या। हालांकि यहाँ इस क्वेश्चन में आज हम बहुत जोर नहीं दे रहे हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन का कंसेप्ट हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। अगर बहुत दिक्कत हो तो आप पिछले वीडियो को आप एक बार देख लीजिए। आइए अगले सवाल में आते हैं। आइए अगला सवाल, हालांकि इस तरह का भी सवाल हम लोग कर चुके हैं लेकिन आप लोग के द्वारा सवाल अगर पूछा गया है तो उसका सॉल्यूशन देना हम जरूरी समझे। आइए, बालू और लोहे के 1 kg मिश्रण में 20% लोहा है, लोहा की मात्रा को 10% कम करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा में बालू मिलाना हो? आइए, क्वेश्चन कहता है मिश्रण क्या है? 1 kg, उसमें लोहा कितना है? 20%। ये है लोहा, लोहा का मान आप निकाल लिए, क्या आया? 1/5। तो बालू कितना होगा? तो आप बालू कहिएगा 4/5। अब आइए हम लोग समीकरण लिखते हैं, 1/5 ये क्या है? आप कहिएगा लोहा। 4/5 ये क्या है? बालू। अब मिलाना तो बालू है ना, तो ऐड सिर्फ बालू होगा। अब लोहे का प्रतिशत क्या? 10। तो अब बालू का प्रतिशत क्या हो जाएगा? 90। ये क्या था? पहले लोहा और बाद में भी लोहा उतना ही होगा, ये बाद में बालू क्योंकि पहले बालू 4/5 था और आप x जोड़ दिए हैं तो बाद में कुल बालू। तो लोहा और बालू का अनुपात ये है और ये भी तो लोहा बालू का अनुपात है क्योंकि लोहा अगर 10% होगा तो बालू का 90 होना होगा। तो रेशियो लिख लीजिए और इसको हल कीजिए। आइए आंसर निकालिए इसका, इसको गुना कीजिएगा तो होगा 4/5 + x = 9 से गुना कीजिएगा तो 9/5। अब 4/5 उधर जाके घटेगा तो हो जाएगा 5/5, यानी क्या? 1। यानी आपका आंसर क्या? 1 kg बालू मिलाएंगे तो आपका कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हम आपको बहुत बेहतर तरीका दिए हैं, उसको अपनाइए, उसको भूलिए मत। देखिए हम आपको बोले थे क्या कि जैसे जैसे बालू बढ़ाएंगे लोहा का प्रतिशत गिरता जाएगा, तो व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है ना, तो जहाँ भी व्युत्क्रमानुपाती का कंडीशन होगा वहाँ ऐसा लिखेंगे, जब 20% लोहा है तो मिश्रण कितना है? 1 kg, और जब 10% लोहा होगा तो मिश्रण कितना होगा? 1 × 20/10। उल्टा होगा यहाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे बालू बढ़ाएंगे लोहा का प्रतिशत गिरता चला जाएगा। तो देखिए तो क्या हो रहा है, 2, इसका मतलब पहले 1 था अब 2 हो गया, मतलब आप कितना मिश्रण कितना बालू मिला है? 1 kg, ये आपका आंसर है। यहाँ का कैलकुलेशन बहुत आसान होगा, यहाँ थोड़ा सा महंगा होगा, हालांकि इस बात का भी कंसेप्ट हम एक वीडियो में सिर्फ इसी बात को समझाने का प्रयास किए हैं। अगर इस बात को समझने में अभी भी दिक्कत है तो आप पिछला वीडियो देखिए। आइए अगले सवाल में आते हैं। आइए अगला सवाल, आपका सवाल साधारण सा, 1 कस्बे की जनसंख्या में 4% वार्षिक वृद्धि होती है, जनसंख्या 4% बढ़ रहा है, लेकिन क्या है, कुछ लोग कस्बा छोड़कर शहर चले जाते हैं जिससे जनसंख्या 0.5%, 1/2% की कमी हो जाती है। 4% का ग्रोथ हो रहा है और 0.5% की कमी हो रही है। तो क्वेश्चन कहता है तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या में
कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी हमको ये बताना। आइए देखिए, अभी देखिए आप एक साल में ग्रोथ कितना होता है तो आप कहिएगा 4, और माइनस कितना होता है तो आप कहिएगा हाफ, यानी कुल मिलाकर एक्चुअल ग्रोथ एक साल में ग्रोथ कितना होता है तो आप कहिएगा 3.5%। अब आइए, अब आपका जनसंख्या 100 है मान लिया जाए, तो एक साल के बाद 100.5% हो जाएगा क्या? 100.5%, 3.5% का ग्रोथ होगा तो 100.5% होना ही होना है, 103.5%। अगले साल भी यही होगा, 103.5%, अगले साल भी वही होगा 103.5%, और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 10.8%। 10.8% एक्चुअल में वृद्धि आएगा, इसका कैलकुलेशन आएगा 110.8%, क्योंकि जनसंख्या 100 है ना, ये बढ़कर कितना आएगा 110.8, यानी वृद्धि क्या दिखाई देगा 10.8%, ये आपका आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर ये ऑप्शन हमारे पास हो ना तो कहीं से पेन लगाने का जरूरत नहीं। देखिए होता क्या है, एक साल में 3.5 बढ़ेगा, अगले साल 3.5, अगले साल 3.5, तो 10.5 तो ऐसे ही हो रहा है, और जनसंख्या 10.5 से अधिक होगा। क्यों 10.5 से अधिक होगा? हाँ, आपके मन में लगा होगा कि 10.5 आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक साल में 3.5 तो 3 साल में 3.5, 3.5, 10.5 होना नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जनसंख्या में जो ग्रोथ होगा हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज जैसा होगा, साधारण ब्याज जैसा नहीं। उसका एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे जनसंख्या में 20% का वृद्धि हो, अभी जनसंख्या 100 है तो अगले साल जनसंख्या क्या 120, अब अगले साल जनसंख्या 120 का 20% बढ़ेगा कि 100 का? आप कहिएगा 120 का, तो वृद्धि का भी वृद्धि होगा ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है ना। तो क्वेश्चन कहे अथवा नहीं कहे, जनसंख्या जब भी ग्रोथ होगा तो वहाँ चक्रवृद्धि ब्याज ही यूज होगा। कहने का मतलब वृद्धि का भी वृद्धि होगा, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे 3.5 × 3 = 10.5, ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो वृद्धि हो रहा है उसका भी कुछ वृद्धि होगा। तो 10.5 तो तय है, उससे थोड़ा तो अधिक होगा, उससे अधिक एक ही ऑप्शन है, तो आंसर कर देंगे बिना पेन लगाए, क्या हो सकता है। आइए अगले सवाल में आते, अगला सवाल आपका, सवाल कहता है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना प्रतिशत है? यानी आप गौर से देखिए, क्वेश्चन कहता है गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना प्रतिशत है किसका, उसके आयतन का, यानी क्षेत्रफल का तुलना किससे हुआ है, आयतन से। अब क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, क्षेत्रफल कितना होता है इसका, तो आप कहिएगा 4πr², इसका तुलना किससे हो रहा है, इसके आयतन से। आयतन कितना, 4/3πr³, और इसी को जैसे ही आप 100 से गुना कीजिएगा ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मान रखिए आंसर आएगा, आप लिखिए, थोड़ा कैंसिल कर लीजिए जो कट रहा है, ये 2r कट जाएगा, अब ये 4 कट जाएगा, तो 3 ऊपर जाएगा, 1r बचा है, r का मान कितना है 10 × 100, ये आपका आंसर है 30%। यानी आप कह सकते हैं इस स्थिति में गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल उसके आयतन का 30%, यही आपका आंसर है। आइए, इस बात में हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का, पृष्ठ क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके संख्यात आयतन के संख्यात्मक मान का कितना प्रतिशत है, यानी क्षेत्रफल का तुलना किससे कर रहा है, आयतन से। तो क्षेत्रफल का तुलना आयतन से किया ना, और जो ही 100 से गुना कीजिएगा, हम लोग प्रतिशत यही तो शुरू से सीखते आ रहे हैं, राम श्याम का कितना प्रतिशत है, तो तुलना किससे हो रहा, श्याम से, तो हम लोग श्याम से भाग लगाते हैं, ऊपर में राम है, और जो ही 100 से गुना करते हैं बदल जाता है किसमें, प्रतिशत में। तो वही तो क्वेश्चन बोला है, पृष्ठ क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान का तुलना किससे, उसके आयतन से, तो भाग लगाया आयतन से, गुना 100, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं, देखिए अगला सवाल आपका,
घन का भुजा 10% बढ़ाने पर आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अभी तक इस तरह का जो सवाल हम लोग देखते थे उसमें क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये सवाल देखते थे, और यहाँ कह रहा आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कुछ दिक्कत नहीं। आइए देखिए, मान लीजिए घन का भुजा 100 है तो बढ़ाने पर भुजा कितना हो जाएगा 110। पहले आयतन इसका कितना होगा, पहले आयतन निकालिएगा तो होगा 100 का क्यूब, क्योंकि घन क्यू उसका आयतन क्या होता है, भुजा क्यू नहीं तो ये, और बाद में इसका आयतन क्या होगा तो इसका क्यू। तो अभी इसका आयतन देख लीजिए, इतना होगा, और बाद में इसका आयतन कितना होगा, इतना होगा। हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, दूसरा विकल्प भी हम लोग के पास है, घबराना नहीं है। हमने भुजा माना 100 तो आयतन क्या होगा उसका क्यूब। अब जब भुजा बढ़ के कितना होगा 110 तो उसका आयतन कितना होगा, इतना होगा। तो देखिए तो आयतन कितना वृद्धि हो रहा है, तो आप देखिएगा कि आयतन बढ़ रहा है कितना, 331000। किसमें वृद्धि हो रहा है, इसमें यहाँ 60 है और इसको जो ही 100 से गुना करते हैं यही प्रतिशत वृद्धि बताता है। ये काम तो आप कई एक बार कर चुके हैं, 30 20 20 33.10% ये आपका आंसर है। कुछ नहीं किए, भुजा 100 है तो बढ़कर 110 होना ही होना है। जब 100 था तब तो कुछ आयतन होगा, होगा, और जब 110 हुआ तब भी कुछ आयतन होगा। तो पहले का आयतन ये, बढ़ा हुआ आयतन ये, कितना बढ़ा, इतना, कितना प्रतिशत तो इतना प्रतिशत। लेकिन आप इसको वैसे भी बना सकते हैं जैसे आप क्षेत्रफल में करते थे, क्षेत्रफल में वृद्धि होता है तो आप इसको कैसे बनाते थे, 10 + 10 + 10 ये काम आपके लिए नया नहीं है, ये काम तो आप बहुत बार किए हैं। तो क्षेत्रफल में इसका यूज लेते थे, आयतन में भी इसका यूज लेंगे। क्षेत्रफल में 10 और 10 से दो ही बार चलते थे क्योंकि क्षेत्रफल में दो ही भुजा होता है, आयतन में 3 भुजा, तो तीनों भुजा को लेना होगा ना। तो 10 और 10 से चल के हम लोग 2 भुजा का यूज ले लिए ना, तीसरा भुजा आप लीजिए, 21 + 10 + 21 का 10%। ये अब ये हो गया आयतन आपका, 31 + 2.1 = 33.10%। नहीं देखिए, जब क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल में 2 भुजा होता है तो 2 भुजा से चलेंगे, आयतन निकालना हो तो 3 भुजा होता है तो 3 भुजा से चलेंगे। ये हो गया 2 भुजा का मान, ये 2 भुजा का मान हुआ ना, तो 2 भुजा का मान तो हम लोग ऑलरेडी मिल गया, हम लोग ले चुके हैं, और तीसरा भुजा लगा दिए तो ये आ गया आयतन, यही आपका आंसर। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका सवाल है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 5180 रुपया है, खाद्य सामग्री तथा अन्य मदों में उसके खर्चों का अनुपात 2:5 है। यदि खाद्य सामग्री के मूल्य में 10% की वृद्धि हो तथा अन्य मदों पर 15% की वृद्धि हो तो उस व्यक्ति के वेतन में कितने वृद्धि की जाए कि उसके विभिन्न मदों में खपत में कोई परिवर्तन ना हो। क्वेश्चन कहता है उसका खर्च क्या था उस व्यक्ति का, 5180, और इस खर्च को 2 भाग में दिखाया गया है, एक खाद्य सामग्री और दूसरा अन्य सभी जो भी है, खाद्य सामग्री के बाद जो भी है वो सब अलग है, और इसका रेशियो क्या है, 2:5। 2:5 में हम लोग 5180 को बांटेंगे, 2:5 में बांटेंगे इसको तो क्या आएगा, तो हम लोग इसको 7 से भाग लगाते हैं, तो 7 से भाग लगाएंगे, 7 × 49 = 240, यानी इसको 2 से गुना करते हैं तो ये आता है 0, 8 और 14, 1480 हम लोग ये खर्च करते हैं, कहाँ, तो खाद्य सामग्री में, और इसी को 5 से गुना करते हैं तो आता है 0, 0 और 7 × 35 = 37। इस बात में आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो हम इसको साइड में लिख देते हैं। देखिए
दिया हुआ है खाने पीने में खर्च कितना 2x और अन्य मदों में खर्च कितना 5x, और इस सब को जोड़ेंगे तो ये खर्च इसके बराबर होगा ना 51.80, क्योंकि उसका खर्च तो 51.80 ही होगा, कमाता ही उतना था, उससे ज़्यादा खर्च कर ही नहीं सकता है। तो 7x बराबर कितना 51.80x बराबर और 2x बराबर और 5x बराबर, यही मान हम लोग निकालें। तो ये मान निकला 1480 और 3700। अब सवाल कहता है कि खाने पीने वाली वस्तु में वृद्धि कितनी 10%, तो इसका 10% निकालिए तो कितना आएगा 148। अब क्वेश्चन कहता अन्य मदों में वृद्धि कितनी, तो अन्य मदों में वृद्धि 15%, तो इसका 15% निकालिए, इसका 15% निकालिएगा तो आएगा 555। तो कुल मिलाकर वृद्धि कितना, इतना उसके खर्च मूल्य में जो महंगा हुआ है तो एक्स्ट्रा खर्च कितना होगा, इतना होगा और इतना होगा, तो वही क्वेश्चन कहता है उसका कितना वेतन बढ़ा दिया जाए ताकि उसके खपत में परिवर्तन ना हो। मूल्य इतना महंगा हुआ है तो इतना मूल्य उसके पॉकेट में आएगा तब तो खपत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये पैसा अगर उसके पास नहीं आएगा तो अब उसको खपत कम करना होगा। तो क्वेश्चन कहता है खपत कम ना हो, खपत में कोई परिवर्तन ना हो, इसके लिए इतना पैसा उसको चाहिए, तो इसको जोड़ लीजिए कितना पैसा चाहिए 703, मतलब 703 अगर उसके वेतन को बढ़ा दिया जाए तो पहले जैसा ही खपत करेगा, यही आपका आंसर है। आइए हम लोग प्रतिशत क्वेश्चन को प्रतिशत के सारे टाइप को देखें, और आप लोग के द्वारा कुछ सवाल भी पूछा गया उसका भी हल किए। अब हम लोग लाभ हानि को देखेंगे, फिर भी अगर प्रतिशत से क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा जाता रहेगा तो उसका भी जवाब हम बीच बीच में देते रहेंगे। अब हम लोग आते हैं अगले चैप्टर में, धन्यवाद।